कानपुर के कर्नलगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत रेलवे लाइन का मामला। दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट, लड़ाई झगड़ा। पड़ोस के ही हिंदू मुस्लिम परिवारों में हुई जमकर हुई मारपीट। सूचना मिलने पर आला अधिकारियों ने किया घटना स्थल का जायजा। घटना को अंजाम देने वाले सभी आरोपी मौके से हुए फरार। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने घटना स्थल पर जय श्री राम के लगाए नारे। हिंदू परिवार के पक्ष में आए बजरंग दल के कार्यकर्ता क्षेत्रीय थाने का किया घेराव। आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग। कानपुर वेस्ट एएसपी और एसीपी ने कार्रवाई का दिया आश्वासन। जनपद कानपुर से दीपक कुमार की रिपोर्ट। मेरे को गलती है भाई, लोहे का राड मारी मेरे पूरे सर पे भाई। मैंने अपने हाथ से कुछ नहीं किया। कौन लोगों ने मारा है? बिने लोगों ने भाई। कितने लोग थे? तुम्हारा पुराना कोई मान भाई थे? उनकी दोनों भाई ने अम्मा चलो चलो अंदर चलो। अंकित कहाँ? अंकित सारा निकल जाओ। आज मामला है कि लड़कियन के छेड़छाड़ कर रहे थे उन लोग। लड़कियन के जगह जगह हाथ भी लगाते हैं, कपड़ा भी फाड़ते हैं। कपड़ा भी फाड़ देते तो हम दूसरा लड़की के कपड़ा बदल के लेके आए थे। यहाँ लड़कियन के घसीट घसीट वहाँ भी छेड़ते हैं, मारते भी हैं। और दूसरे में लड़का बोल रहा था, लड़का के भी मारते हैं। घर छोड़ने की बात करते हैं, रोज के रोज हम लोग को परेशान करते हैं। आज क्या आज घटना हुई थी कि लड़की के छेड़ रहे थे। हमारा लड़का ने मना कर दिया था, उसके पर्व हुआ था। ये लड़का ने मना करी था हमारा सोन। उसके वो लड़के ने घुस गाली करोजा पहले भैया मारा गया। जब घर में घुस लड़का के पहले गाली करोजा करने लोगे, फिर लड़का के मारे लोगे। जब हम लोग आवाज सुने तो बाहर निकला तो इन लोग क्या करें कि सब आदमी से ऊपर थे घर में घुस गए। लड़कियन हमारे दोनों लड़कियन के मारे ने दोनों लड़कियन के कह रहे हैं ले चलो घर में से बलात्कार कर जा। हम लोग ना गए कि लड़कियन के कपड़ा फाड़ो, पहले बलात्कार करो तने के बाद इन लोग का मारो। तो इन लोग पुल के नीचे रहते हैं लोग। हम कठोर से कठोर हम सजा चाहते हैं, हमको इंसाफ मिलना चाहिए। हमको हमने बच्ची के मारा है, हमने बच्ची के हाथ लगाया है। इन लोग कहीं कहीं ना छुआ है हमने लड़कियन के। इन लोग ना ये हरकतें दो तीन महीने से हमको बड़ा परेशान करे जा रहे हैं। कारवाई करा है, रिपोर्ट लगाया है, बाकी ये लोग कोई कार्रवाई हमारा नहीं सुना जा रहा था। अभी हम महीना दिन पहले लगाया था हमारा ना साहब ने सुना था, कह रहा था बाकी ना साहब ने हमारा सुना था, बाकी इन लोग ना हमारा बिल्कुल हमारा वो जीना दुश्वार करें हैं इन लोग ना। घटना हुई ये कर्नलगंज क्षेत्र में रेल पटरी करके एक मोहल्ला है जहाँ पर मात्र 10 हिंदू परिवार हैं और वहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यक है। इससे पिछले भी कई बार जो है उस परिवार पे दबाव बनाया गया कि वो छोड़ के भग जाए, उनके साथ बदतमीजी की गई या भद्रता की गई, जिसके लिए यहाँ जो पीड़ित परिवार है उसने आकर यहाँ थाने में अप्लीकेशन देने की कोशिश की, लेकिन थाना अध्यक्ष जी ने उनको वहाँ से वापस कर दिया। जब मुख्यमंत्री जी को ट्वीट किया गया उसके बाद उसकी FIR दर्ज की गई, दबाव बना के वहाँ समझौता करा दिया गया। अब जो है आज वहाँ तब से लगातार उस परिवार पे दबाव बनाया जा रहा था कि घर छोड़ के वहाँ से भाग जाए, ताकि जो 10 परिवार हैं हिंदू उन पे दबाव, वहाँ वो क्षेत्र वो हिंदू विहीन हो जाए और वहाँ पर मूल्य राज करने लगे। आज जो है उसी घर के बाहर लूडो खेलना, वहीं जितनी बहनें निकलती थी उनसे छेड़ना, उस परिवार के साथ नाबालिग 13-13 साल की बच्चियां हैं उनसे बदतमीजी करना। आज जब ये परिवार नहीं गए तो आज इनके पूरे घर में घुस के तोड़फोड़ की गई। घर में घुस के 13 साल की बच्ची को और उनकी जो माता जी उन सबको मारा गया बुरी तरीके से। उसके विरोध में हम सब यहाँ पर आए कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी और संगीन धाराओं पे कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम लोग उठने वाले नहीं हैं। अभी SOP साहब से बात, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम संगीन धाराओं पे कार्रवाई करेंगे। बजरंग दल जहाँ जहाँ हिंदुओं पे अत्याचार होगा वहाँ वहाँ बजरंग दल आके कार्रवाई करेगा, चाहे वो मिनी पाकिस्तान हो, चाहे वो मुल्लों का गढ़ हो। जहाँ जहाँ हिंदू प्रताड़ित होगा वहाँ वहाँ हिंदुओं की सुरक्षा के लिए बजरंग दल हमेशा खड़ा रहेगा। जय जय श्री राम। कॉलोनी में दो पक्षों में आज मारपीट हुई है। अभी घटना स्थल का मौका मुआयना किया गया है। चुटिल लोगों से बात होने के बाद
तहरीर के आधार पे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर विवाद किस बात पे हुआ था? अभी उसकी पूछताछ की जा रही है, जो लोग चोटिल हैं उनसे भी बात नहीं हो पाई है। घायल कितने लोग हैं? वो भी लोग अभी क्योंकि यहाँ पे नहीं है, सब अस्पताल गए हैं। सो अभी जैसे ही पूरी जानकारी मिलती है वो शेयर करेगी। स्थिति कैसी है अभी? लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पूर्ण तरह नियंत्रित है, यहाँ कोई ऐसी समस्या नहीं है।